सिवर एसपी की कार्रवाई मोतिहारी के फाइनेंस कंपनी के कर्मी से बाइक और कैश लूट मामले पुलिस ने 3 अपराधियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। एक देसी पिस्टल, 2 कारतूस, लूट की बाइक और मोबाइल बरामद। जहांगीरपुर और ताजपुर में पुलिस ने की कार्रवाई। एसपी अनंत कुमार राय ने इस बात की जानकारी दी है। मौके पर एसडीपीओ संजय कुमार पांडे, थानाध्यक्ष विजय कुमार यादव, एसआई चंदन कुमार मौजूद थे। वहीं एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि मोतिहारी के फाइनेंस कंपनी के कर्मी से बाइक और कैश लूट के मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। कल रात में श्यामपुर भट्टा थाना अध्यक्ष को एक गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ उन्हीं के क्षेत्र के जहांगीर टोला के निवासी शिवहर के पड़ोसी जिले में लूट की घटना को अंजाम देते हैं। ये सूचना प्राप्त होते ही एसडीपीओ शिवहर के नेतृत्व में टीम गठन किया गया। उसमें डीआई और विकास राय इंस्पेक्टर इसी शाखा के हैं वो, और श्यामपुर भट्टा के सभी पदाधिकारी टीम बना करके छापामारी की। छापामारी के क्रम में गुड्डू राम नाम का अपराधी पकड़ा गया, जिसके पास से एक बाइक बरामद हुई। जो बाइक मोतिहारी जिला के मुफस्सिल थाना से लूटी गई थी वो बरामद हुई। उसका एक सहयोगी मदन राम है, उसी कन्फेशन के आधार पर उसको भी गिरफ्तार किया गया, जो उस घटना में संलिप्तता स्वीकार की है। नेक्स्ट एक तीसरा अवधेश राय, जो सिवा थाना अंतर्गत ताजपुर के रहने वाले हैं, उनका भी नाम आया तो उनके यहाँ रेड हुआ। उनके घर से पिस्तौल, ये कंट्री मेड पिस्तौल और ये जो एमिनेशन बरामद हुआ है, इन सभी पर केस करके इन सभी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। Thank you.